हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो इस दौरान आपको काफ़ी परेशानी हो रही है पढ़ने लिखने में, क्योंकि आप समझ लीजिए कि आप 30 डे से ज़्यादा ही हो गया कि आप घर पे बैठे हैं, और यहाँ तक कि आपका बोर्ड का रिजल्ट भी पेंडिंग ही है। अभी आपको क्लियर नहीं क्या होगा, बट इतना जान लो कि आप सब पास हो। मतलब आप फेल हो या नहीं, अगर एग्जाम दिए तो आप सब पास हो, इतना जान सकते हो। एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस समय जो लॉकडाउन का सीजन है, अगर हम घर पे बैठे हैं तो आज जाहिर सी बात आप क्या कर रहे होंगे, फ़ोन में कुछ लेकर के टिप टाप कर रहे होंगे। तो अगर आप फ़ोन में टिप टाप कर रहे हैं तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ, हाँ करते रहो, पर वो मेरे साथ करते रहो तो आपका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सोच रहा था कि क्लास 11th के लिए क्यों ना एक नया लेक्चर बनाया जाए, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के, प्योर एनसीईआरटी के। तो मैंने सोचा, तो आज इसको बनाया भी और आपके लिए लेके आया हूँ कि मैं चैप्टर वाइज, चैप्टर फर्स्ट फर्स्ट NCERT 11th केमिस्ट्री की शुरू कर रहा हूँ। तो इस चैप्टर के बारे में जैसा कि आप थोड़ा बहुत जानकारी रखेंगे क्लास 9th क्लास 10th के भी आप पर, तो थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। एक्चुअली जब आप कंपटीशन के लिए जाएंगे तो इसी चैप्टर का नाम हो जाता है ओनली मोल कॉन्सेप्ट, और जब आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करते हैं इस चैप्टर का नाम होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब कि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो केमिस्ट्री के लिए हमें ज़रूरी होता है। एक्चुअली क्या होता है, क्लास 9 से ही अगर आपको कोई अच्छा टीचर ना मिला हो या फिर आपने अगर इंटरेस्ट ना लिया हो तो आपको केमिस्ट्री वर्ड से ही डर लगने लगता है। जैसा कि आप केमिस्ट्री का नाम सुनते ही आपके अंदर के हेजिटेशन होता है, यार अब मेरा क्या होगा, पता नहीं क्या ये क्या लिखने वाले, C2 C3 C4। कुछ नहीं है, आप बने रहिए इस वीडियो में, आपको पूरी तरह से बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी तक कभी अपने चैनल पे किसी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, आज बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपका बेनिफिट है। तो आप कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट मिलते रहें कि हाँ नया वीडियो पड़ गया, मुझे इसको ऑन करके देख लेना चाहिए। और दूसरी बात, जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ कंपटीशन के लिए क्वेश्चन होंगे, तो आप उस डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं आता तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट में आप इस क्वेश्चन को लिखिएगा, उसका सलूशन अगले वीडियो में या फिर आपको रिटेन में दिया जाएगा, किसी भी तरीके से दिया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कोई चैप्टर जब शुरू होता है उससे पहले उसका क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर भाई हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं तो ये चलिए करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में अगर केमिस्ट्री की बात करें तो पहले तो हम आपको ये बताते हैं ये केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से। एक्चुअली ये जो इजिप्ट वाले थे ना, वहाँ की जो मिट्टी थी उसका रंग कैसा था, काला। तो एक वर्ड था, लैटिन वर्ड था, जिसका नाम था कीमिया। ये कीमिया वर्ड से केमिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति, क्योंकि कीमिया वर्ड इसलिए लिए वो लोग, वहाँ की मिट्टी का रंग कैसा था, काला था, वहाँ की मिट्टी काली थी। चलिए, तो अब ये तो हो गया उसको वर्ड को ड्राइव कहाँ से किए, और पर ये केमिस्ट्री है क्या। एक्चुअली आपने क्लास 9 10th में साइंस पढ़ा था, एक टर्म क्या पढ़ा था, साइंस, SCIENCE, साइंस। अब इसका कुछ लोग फुल फॉर्म भी कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि विज्ञान या एक कुंजी है जिससे किसी भी गोदाम का ताला खोला जा सकता है। सही है भाई साहब, सब सही है। पर इस साइंस में भी आपने क्लास 9 10th में 3 पार्ट देखे होंगे। आपने पहला क्या देखा था, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। दूसरा क्या देखा था, फिजिक्स, फिजिक्स। और तीसरा क्या देखा था आपने, बायोलॉजी। चलिए, तो पहले आपने 9th तक क्या पढ़ा, 9th और 10th में आपने साइंस पढ़ा था, और 6th से लेकर के भी आप यही पढ़ रहे हैं, 6 7 8 में भी एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो आप तीनों पढ़ रहे थे, बस कंबाइन पढ़ रहे थे। तो आपने देखा कि ये जो केमिस्ट्री है इसको हमने यहाँ से निकाल लिया भाई साहब, कहाँ से, केमिस्ट्री को यहाँ से यहाँ लाया। तो एक्चुअली ये जो केमिस्ट्री है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। अब देखो भाई, ये साइंस की ही तो ब्रांच है केमिस्ट्री, तो इसने हमने हमने क्या बोला होगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। देखो डिफिनेशन आपको याद नहीं करनी, समझनी, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील, मतलब जो हमें बताता है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो किसी मैटर के स्ट्रक्चर, मतलब उसका क्या क्या कंस्टिट्यूएंट है, वो कैसे बना है, उसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस रेशियो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा, और उनका ऑर्गेनिक कंपोजिशन क्या होगा, इनऑर्गेनिक क्या होगा, तो उसका जो स्टडी करती है हमारी ब्रांच, जो ब्रांच हमारी उसकी स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं लोग, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो आपने देखा इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एक्चुअली मैटर आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, अब हम भी कह रहे हैं क्या है मैटर, कुछ भी तो नहीं है। मैटर क्या था, आपने कहा था एनी सब्सटेंस विच टेक स्पेस एंड हैव मास। अब आप
आपको ये भी चीज पता होगी क्लास 9 से कि संसार की जितनी वस्तुएं सिर्फ दो कैटेगरी में बांटी गई। पहला मैटर, जिनके पास स्पेस, जो स्पेस लेते हो और मास हो। दूसरा एनर्जी, जिनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब उस पर हम नहीं जाते, तो हम मैटर में आ गए। मैटर किससे बना था आपको पता था? एटम मॉलिक्यूल से बना था। एटम किससे बना था? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना, जो कि आप क्लास 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होंगे। तो अब वहाँ पे नहीं जाते, अपने मेन में आते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा ब्रॉड जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको इतना बता दे रहे हैं कि एटम जनरली किससे, इसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या होगा, सॉरी मैटर का बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या होगा? एटम एंड मॉलिक्यूल होगा। अब बात हम लोग कर लेते हैं कि जो केमिस्ट्री हम लोग 11th में पढ़ने वाले हैं, अभी तो साइंस के ब्रांच में केमिस्ट्री पढ़े, क्या 11th में भी कोई ब्रांच है? एक्चुअली जो हमारी NCERT है ना, ये सारी ब्रांच को समराइज करके एक ही बुक में कर देती है। बट अगर आप हायर लेवल पे जाएंगे, अगर आप यूपी बोर्ड से कभी, यूपी बोर्ड की कोई किताबें आपके पास पुरानी पड़ी हो तो आप उसे पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या हुआ, दोनों बोर्ड तो एक हो गए, पैटर्न एक हो गया। तो वहाँ पे आपको तीन पेपर मिलते थे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो जो पहला पेपर BSc में भी अगर आप BSc करेंगे तो मिलेगा, ये आपका फर्स्ट पेपर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक, तीसरा फिजिकल, चौथा एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। देखो ये टाइटल आप लगा सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, उससे पहले क्या बोलते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, देखिएगा इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। सॉरी ड्यू टू सम टेक्निकल इशू आई पॉज योर वीडियो फॉर 2 or 3 seconds, सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस एंड अगेन आई ट्राई टू कंटिन्यू। और तो ऐसा मैं बात कर रहा था, जैसे साइंस में बोला था इट इज ब्रांच ऑफ साइंस केमिस्ट्री के लिए, अब केमिस्ट्री में जब ब्रांच है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट जनरेशन थी, ये इसका मतलब ये पूर्वज था इसकी फर्स्ट जनरेशन, अब ये सेकेंड जनरेशन। तो हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड का स्टडी करेंगे जिनमें कार्बन ना हो, लेकिन ये बहुत देर तक सही नहीं है। अगर आप हायर लेवल में जाएंगे कुछ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड भी हैं जिनका हम इनऑर्गेनिक में अध्ययन करते हैं, और कुछ नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिनका ऑर्गेनिक में अध्ययन करते हैं। तो फिलहाल आप जानिएगा कि कार्बन नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का अध्ययन किस में करेंगे, इनऑर्गेनिक। जैसे NaOH ले लिया हमने, KOH ले लिया, KCl ले लिया, तो ऐसे कंपाउंड का हम लोग अध्ययन करेंगे जिनमें कार्बन ना हो, वो किसमें करते हैं, इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक में उसका जस्ट उल्टा कर लीजिएगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिनमें कार्बन होंगे हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए अगले जो केमिस्ट्री आती है फिजिकल, एक्चुअली ये भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि किसी भी एटम में कितने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने पार्टिकल हैं, कोई हमने कंपाउंड ले लिया तो उसमें कोई एलिमेंट कितनी बार न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब का जो कंपोजिशन, उसका कितने मोल में वेट है, तो जो इन सब का कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, उसको हम किस ब्रांच में लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। एक और आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखो भाई आपने तीनों सुना होगा, ये थोड़ा कम सुना होगा। एनालिटिकल में हम लोग एनालाइज करते हैं कि किसी कंपाउंड में कोई दूसरा पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट कितने परसेंट है, वो किस तरह से बना है, कितना वेट है, कितना परसेंट है। इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो पता करते हैं कौन सा एलिमेंट है या कौन सा एटम है, और दूसरा ये पता करते हैं इसमें एनालिटिकल में वो कितने परसेंट है। जैसे अगर हमने दे दिया कंपाउंड C2H5OH, तो अब हम इसमें पूछ ले कार्बन कितने परसेंट है, तो ये किसमें आएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री। हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछ ले, या कोई कंपाउंड दे दे, हमने कह दिया कि कोई कंपाउंड H था, इसमें कार्बन इतने परसेंट था, हाइड्रोजन इतने परसेंट था, और कोई दे दिया अननोन, ये कितने परसेंट है, टोटल वेट दे दिया, तो इसमें फार्मूला लगा कि हम लोग पता कर लेंगे कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट है या कौन सा एलिमेंट किस कंपाउंड में मौजूद है। तो अभी हम इसको हटाना चाहेंगे, थोड़ा सा और स्पेसिफिक लेते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री, इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए भाई इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ में हर एक जगह केमिस्ट्री का बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहोगे मुझे तो नहीं पता,
मेरे खाने में केमिस्ट्री है? हाँ है। मेरी सांस लेने में केमिस्ट्री है? चलो चेक कर लेते हैं। एक्चुअली हम कह सकते हैं इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 10th में बायो पढ़ा होगा तो आपने नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा होगा, उसमें कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा। उसमें एक टर्म आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो उसमें जो केमिकल कोऑर्डिनेशन हो क्या है, केमिस्ट्री की ही देन है। जो उसमें मैसेज को सेंड किया जाता है केमिकल के द्वारा, वो क्या है, केमिस्ट्री ही तो है। और आपकी बॉडी में पर सेकेंड 5,000 मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती, वो क्या है, केमिस्ट्री तो है। और भी बात कर, आपके बॉडी में खाना पचता है, वो भी तो एक केमिस्ट्री है। ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, केमिस्ट्री ही तो है। अगर आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप एंटा एसिड लेते हैं आपकी बॉडी में, MgOH होल ट्वाइस जिसे आप कहते हैं। और आपके स्टोमक में कौन सा एसिड होता है आपको पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। दोनों को न्यूट्रलाइज किया जाता है, तो क्या हुआ, केमिस्ट्री ही तो ही, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पाई गई ना। तो इस तरह से आपकी बॉडी में ढेर सारे केमिस्ट्री के वर्क हैं। अब कहोगे सर फील्ड में क्या केमिस्ट्री का वर्क है, तो फील्ड में भी आपने न्यूट्रिएंट का स्प्रे किया होगा, आपने बिखेरा होगा, जैसे कि आप फर्टिलाइजर लाते, यूरिया, कंपोस्ट, जिंक लाते, ये सब क्या है, फर्टिलाइजर। लेकिन ये एक्चुअली केमिकल है, ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। साथ में अगर हमारी सॉइल एसिडिक है तो उसे बेसिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बेसिक है तो एसिडिक बनाने के लिए या फिर न्यूट्रल बनाने के लिए, जैसा जो हमें चाहिए कंपोजिशन उसको हम किससे यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री से। यहाँ तक कि जियोग्राफी में भी हमारे केमिस्ट्री आती है, और बायोलॉजी में तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री है। और भी अगर बात करें इंडस्ट्री में, जो आपने देखा होगा, और जैसे बेकरी बन रहा है, यहाँ भी केमिस्ट्री फ्रेगमेंटेशन होता है बेकरी वाले उद्योग में। और कोई मेडिसिन बन रही, फार्मासिस्ट वाले, वो भी तो केमिस्ट्री का उपयोग करते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मटेरियल, सेटिंग ऑफ सीमेंट, ये भी तो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। तो आपने देखा कितना कितना यूज़ है केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में। इस तरह से आप भी सोचिए और भी यूज हो सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग आएंगे अपने नए टॉपिक नेचर ऑफ मैटर। तो इसके लिए हमें हटाना होगा नेचर ऑफ मैटर। जो हमारी अगली हेडिंग होगी वो होगी नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर, एक्चुअली आप सबको पता होगा जो मैटर है ना, इसका जो नेचर होता है, ये इसके, सॉरी मैंने दो बार लिख दिया, ये इसके कंपोजिशन के हिसाब से होता है। मैटर का जो नेचर है ये 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, अब आप जान ही गए होंगे हम क्या लिखने वाले हैं, लिक्विड एंड गैस। ये जो हमारे स्टेट होते हैं, एक्चुअली ये जो मैटर है इसका स्टेट होते हैं तो 5 हैं, आपको पता भी हो, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। और क्या होता है, प्लाज्मा, और क्या होता है, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो हमें जो बात करनी है इनके बारे में बात करनी है इस चैप्टर में, क्योंकि हम केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो अब आप बात करते हैं सॉलिड के बारे में, तो एक कंपोजिशन बनाते हैं। हमने तो कहा नेचर कैसा है, तो भाई नेचर बता रहे हैं कैसा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे 3 डायग्राम्स बनाते हैं ABCD करके, और इस डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब क्या है, ABC। जैसे अगर ये बात कर ले कोई सॉलिड सब्सटेंस है, हमने कहा ना कि मैटर का जो नेचर क्या है अगर सॉलिड नेचर में, तो इसके लिए क्या क्या बातें सही होंगी। और दूसरा क्या होगा, हो सकता है ये लिक्विड हो, ये लिक्विड हो, और तीसरा क्या है, गैस हो। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। चलिए आइए देखते हैं। सपोज ये इनके क्या थे, पार्टिकल थे, ये सॉलिड को बनाने के लिए उनके पार्टिकल थे। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे जो पार्टिकल है ना, बहुत पास पास होते हैं। पार्टिकल क्या है, बहुत पास, इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, डेंस, यहाँ पे हम टर्म लिखते हैं डेंसिटी। अब यहाँ क्या होगी, हाई होगी, बहुत ज्यादा होगी ना, तो आप कह सकते हैं हाई। यहाँ पे क्या होगी, ठीक ठाक होगी, बहुत ज्यादा भी नहीं होगी, कम होगी, मीडियम होगी, मीडियम। बट यहाँ पे क्या होगी, वेरी लो। कैसे,
अब आप कहोगे सर ये सॉलिड है तो ये इनके पार्टिकल लिक्विड में दूर दूर क्यों है, इनके बहुत दूर क्यों है। एक्चुअली इसमें होता क्या है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके जो मॉलिक्यूल होते सॉलिड में, उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल आपस में बहुत कसे कसे होते, पास पास होते हैं। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत हाई होता है। इसमें क्या होता है, मीडियम होता है। इसमें क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, नियर टू जीरो आप कह सकते हैं, ना के बराबर होता है। इसीलिए तो आप गैस का जब रेगुलेटर ऑन करते तो गैस भागने लगती थी कि आप देख पाते नहीं, इतनी तेजी से भागती कि सारे पार्टिकल उसके आपस में बहुत दूर दूर चले जाते। इतना समझ लीजिए जबरदस्ती सबको एक साथ ठूस के भागा जाता सिलेंडर में, ये चाहते नहीं कि हम एक दूसरे के पास आए। तो इतनी बातें समझ में आई, तो देखिएगा हम सारी चीज़ें लिख नहीं रहे, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझिएगा। इसमें डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा। पार्टिकल के बीच में गैप क्या होगा, बहुत कम होगा। अभी मत कहना ये भी हाई होगा, जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा क्या होगा, बहुत कम होगा। और बात करें लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बात करें गैस में बहुत ज़्यादा होगा, ना के बराबर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। चलिए एक और बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें इनके शेप साइज के, तो इसका जो शेप होगा एंड वॉल्यूम दोनों क्या होगा, फिक्स्ड होगा दोनों। अगर बात करें इसमें जो शेप है, शेप फिक्स्ड नहीं होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा। वॉल्यूम आप जिस बर्तन में रखेंगे इसको उसी का ले लेगा। इसमें बात करें तो दोनों नहीं फिक्स होता। अगर आप गैस को किसी बॉटल में रख दें खोल करके तो गायब हो जाए कुछ देर में, तो क्या उसका वॉल्यूम आप नाप पाएंगे, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं। अगर आप कमरे में छोड़ देंगे पूरे कमरे में सेट हो जाएगा, सिलेंडर में भरेंगे तो सिलेंडर के वॉल्यूम क्या बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं इनका जो वॉल्यूम वॉल्यूम होता है ये सब बिल्कुल फिक्स नहीं होता। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं, फ्लो कौन करेगा तेजी से, ये सॉलिड है ये तो बहुत स्लो फ्लो करेगा, फ्लो करेगा ही नहीं, एक जगह रख देंगे वहीं पर पड़ा रहेगा इनर्शियल फॉर्म में। और अगर बात करें लिक्विड तो ये थोड़ा सा फ्लो करेगा, गैस तो भाई साहब चारों तरफ भागने लगेगा। तो ये इनके स्टेट्स होते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बात किया। अभी तक तो हमने कुछ आपको नया बताया ही नहीं, क्योंकि ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब अगले वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे सेकेंड वीडियो में, इसके डिटेल्स में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, एक बार आप इसे रिवाइज कीजिएगा, वैसे इसमें कुछ है नहीं। अगले दिन से आप बने रहिएगा लेक्चर में, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एक्चुअली मैं इस केमिस्ट्री में आपको फिजिकल केमिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो इतनी ट्रिक्स बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन होगा 10 से 15 सेकंड में उसका आंसर आ जाएगा। तो आप बहुत परेशान मत होइएगा, बिल्कुल फ्री होके घर पे पढ़ाई कीजिए। जो भी आपको दिक्कत है आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।